तो ग्वार में भी हमने 2 दिन की मंदी के बाद तेजी बनती हुई देखी थी। ग्वार में जानकार अभी तेजी का ही रुझान बता रहे हैं कि ग्वार में अभी भी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। ग्वार की कीमतें एक बार फिर से 10,000 के पार जाती हुई नजर आ सकती है और ग्वार सीड के अंदर भी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। 6,100-6,200 ग्वार सीड भी जाता हुआ भी नजर आ सकता है। तो ग्वार गम और ग्वार सीड में जानकार अभी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, खरीदारी करके चला जा सकता है। और एक और ग्वार से रिलेटेड आप लोग के साथ जानकारी साझा करना चाहूँगा कि ग्वार का अपडेट आया है कि ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट है, ये यहाँ पे मैं भारतीय ग्वार गम के एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो अगस्त 2021 में बढ़ता हुआ नज़र आया है। जुलाई महीने के मुकाबले अगस्त में 10.48% बढ़ा है और जुलाई में 16,530 टन देखने को मिला था और अगस्त में 18,262 टन का भारतीय ग्वार गम का निर्यात देखा गया है। और वहीं से बात करें अगर ग्वार के शिपमेंट्स की, तो उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल की अगस्त 2020 की अवधि के मुकाबले इस साल की अगस्त 2021 की अवधि की अगर कंपेयर किया जाए, दोनों को तुलना की जाए, तो इस बार ज़्यादा देखने को मिली है शिपमेंट्स। 42.38% की ग्वार के शिपमेंट में तेजी देखने को मिली है। तो यानी कि अगर एक्सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है और प्रोडक्शन भी कम है, निर्यात मांग ठीक है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी जानकार अभी बता रहे हैं कि ग्वार की देखने को मिल रही है, और हम देख रहे हैं कच्चे तेल के यानी क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अभी हाल फिलहाल में तेजी की ओर हैं, इन्हीं सभी फंडामेंटल्स का असर ग्वार के कीमतों पर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है और ग्वार में भी तेजी बनती हुई नज़र एक बार फिर से आ सकती है।